नमस्कार, मैं सतेन शर्मा। चुनावी यात्रा में इस समय हम पहुंच चुके हैं नागौर जिला में। आपको बता दें कि नागौर जिला मारवाड़ का जाट लैंड कहा जाता है और हनुमान बेनीवाल का ददबा वाली सीट कहा जाता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल यहां से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन नागौर के ही एक विधानसभा से वह विधायक उम्मीदवार घोषित हुए हैं। लेकिन नागौर अगर मुकाबला देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक ही घर से दो लोग दो पार्टी से अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस में थी ज्योति मिर्धा, अब बीजेपी में आ गई हैं। बीजेपी ने अपने पाले में कर दिया है, तो बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो ज्योति मिर्धा के जो चाचा हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं हरवंत मिर्धा, उन्होंने अपना ताल ठोक रहे हैं। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागौर में रैली है, ज्योति मिर्धा के उपलक्ष में वो वोट मांगेंगे। तो नागौर की जनता से पूछते हैं कि यहाँ का रणनीति क्या रहने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी कल आ रहे हैं तो क्या समीकरण बदलेगा, और हनुमान बेनीवाल का कितना असर उनके गढ़ में है। क्या लग रहा है इस बार का आपको माहौल? कल प्रधानमंत्री मोदी की आपके जिला में रैली है, तो क्या मोदी के आने से यहाँ का समीकरण कुछ बदलेगा? नागौर से तो हरेंद्र जी आएंगे, और बाकी मोदी जी आने से क्या फर्क पड़ेगा? हरेंद्र मिर्धा और ज्योति मिर्धा एक ही परिवार से लोग आते हैं, तो पहले वो तो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि ज्योति मिर्धा अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हरेंद्र जी इधर से ही रहते हैं, हमेशा इधर रहते हैं, बीच में रहते हैं, और बुजुर्ग आदमी, अच्छे आदमी हैं, वो कार्य करवाएंगे, इसलिए हरेंद्र जी का ज़्यादा चर्चा चल रहा है इधर। लेकिन बीजेपी तो उन्हीं के घर में सेध मार के ज्योति मिर्धा का अपने पाला में खींच ली, उसे क्या फर्क पड़ता है? और हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है नागौर, नागौर से सटे बाड़मेर हुआ, इस बीकानेर हुआ, हनुमान बेनीवाल का कितना अस्तित्व है? अभी हनुमान यहाँ से तो नागौर से तो हनुमान बेनीवाल से कोई है नहीं प्रत्याशी उतरा, नागौर से तो कोई उतारा है नहीं, बाकी जहाँ है वहाँ चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है उनका भी। जो उनके समर्थक है, उनके समर्थक किधर पाला बदल सकते हैं? हरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है? अब मैं तो जानूंगा नहीं भाई ये चीज में वोट देते हैं कि नहीं वोट, मैं ये विधानसभा क्षेत्र में ही को नहीं मारू, विधानसभा क्षेत्र ही अलग है। थारो विधानसभा क्षेत्र कौन? जाइल है, तो वहाँ से तो देते होंगे। बिल्कुल। तो क्या वहाँ का भी मतदाता राजस्थान के, तो राजस्थान की राजनीति बात हो रही है, तो कुछ तो बताइए क्या लग रहा है? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी? वो भी गठबंधन से बनेगी, संपूर्ण सरकार बहुमत से किसी की सरकार नहीं बनेगी। बड़ी बात आप बोल रहे हैं, एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से लगातार दूसरी बार सत्ता में आएंगे, आप कह रहे हैं कि गठबंधन संपूर्ण बहुमत से नहीं आएगी वो भी सरकार। कौन गठबंधन, कौन सपोर्ट करेगा? गठबंधन हनुमान बेनीवाल सपोर्ट करेगा। हनुमान बेनीवाल पूरा बगावत कर रहे हैं कांग्रेस? बगावत नहीं कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं जनता के सामने। अच्छा, दिखावा है? दिखावा है, और कोई बगावत नहीं है, एक है दोनों इस बार, यानी हनुमान और गहलोत साथ आएंगे। बिल्कुल। हनुमान के साथ चंद्रशेखर रावण भी मिले हैं। बिल्कुल। तो क्या रणनीति लग रही है? चंद्रशेखर रावण मिले हैं, चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी से? वो अपनी एक आजाद अपनी पार्टी से। वो किस पार्टी से अलग होकर पार्टी बनी थी? वो एक कांग्रेसी है, वो एक कांग्रेसी है, पीछे से देखो आप। यानी अब कह रहे हैं कि फिर से कांग्रेस को बार बार? बिल्कुल 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 बनेगी, क्योंकि राजस्थान में विकास हुआ है, राजस्थान की जनता विकास के पीछे वोट देगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से विकास मुद्दा हटा करके एक तरफ से हिंदुत्व और धर्म के नाम पर राजस्थान की जनता नहीं बिकेगी। बीजेपी के पास ओनली फॉर धर्म और हिंदू। बीजेपी ने 9 साल में एक राम मंदिर बनाया और कुछ नहीं किया, और इस देश को बेच के खा गई सारे को। लेकिन आपके राजस्थान में राम मंदिर का जिक्र बहुत हो रहा है। हो रहा है, बढ़िया बात, बहुत ही अच्छा आस्था का मंदिर है, बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने। उसके नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, मंदिर से घर नहीं चलता है, घर पैसों से चलता है। आदमी के पास रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, वो कुछ नहीं है, वो इस राज में चली गई, बेरोजगार घूम रहे हैं आज। आपने शिक्षा की बात की, नौकरी की बात की, तो जब कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, राजस्थान में 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया है। वादा ओनली फॉर बीजेपी वादा करती है, वादा संपूर्ण कभी किए ही नहीं, नहीं करेगी। 9 साल में कौन सा वादा बीजेपी ने संपूर्ण किया? बीजेपी ने 2000 का नोट बनाया, 7 साल नहीं चला सकी उस नोट को, बीजेपी क्या सरकार चलाएगी आप बताओ, किस हिसाब से चलाएगी? अपने बनाए नोट को 7 साल नहीं चला सकी, खुद की सरकार में बना, खुद की सरकार में ही बंद हो गया। बार बार कांग्रेस पे दावा बोलती है, वो किया कांग्रेस ने, क्या किया कांग्रेस? अगर कुछ नहीं करती तो आज बीजेपी वाले क्या बेचते? रेलवे बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेच दिया, क्या बेच दी कांग्रेस का ही किया हुआ है सब।
तो यानी परिवार में जो फूट हुआ है, ज्योति मिर्धा चाचा से चुनाव लड़ रही हैं। ज्योति मिर्धा के दादाजी थे नाथूराम जी मिर्धा, वो बोलते थे ये बीजेपी का फूल कमल का नहीं सत्यानाशी का फूल है। उस फूल से आज उसी परिवार में चुनाव लड़ रहे हैं, वही चुनाव जिन हम वोट देंगे कभी नहीं देंगे, हम तो उनके दादाजी के पीछे हैं। वो फूल सत्यानाशी का था, सत्यानाशी का है। कर रहा परिवार में फूट हो गई, अलग अलग एक ही पार्टी, एक ही परिवार दो अलग अलग पार्टी से चुनाव, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और अशोक जी गहलोत एक होने की वजह से ज्योति मिर्धा की नागौर में कांग्रेस के अंदर कदर नहीं रही, समझ रहे हो आप, वहाँ से पीछे से गठबंधन हो रहा है। तो आपको लग रहा है हरिवर्धन जी मिर्धा जो है इस बार बिल्कुल चुनाव जीतेंगे? कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, क्या उनके प्रधानमंत्री की रैली के बाद यहाँ का समीकरण कुछ बदलेगा? क्योंकि देखा जाता है जिस जिस एरिया में प्रधानमंत्री जाते हैं समीकरण थोड़ा चेंज जरूर होता है। यहाँ का जाट बेल्ट है, ठीक है, और आरएलपी नागौर से चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर आरएलपी चुनाव लड़ती नागौर से तो समीकरण बदलता, वरना जाट बेल्ट, जाट कभी किसी के पीछे नहीं भागे, जो भागता है जाटों के पीछे भागता है। यहाँ का समीकरण यही रहा है, यही रहेगा। आपको क्या लग रहा है 25 तारीख को वोट आप भी डालने जाएंगे तो क्या चीज़ देख करके आप मतदान करेंगे? मोदी जी को, मोदी जी को, बीजेपी को डालेंगे। क्या काम पसंद आया? सब कुछ है, राम मंदिर बना दिया, 370 धारा हटा दी, और भी सब कुछ देश को विकास हो रहा है, इसलिए मोदी जी को डालेंगे। अभी आपके बगल में जो भी बात हुई है, कई सारी योजना अशोक गहलोत जी का गिनाया किए, ऐसे भले कहता हो डालेगा लोग मोदी जी को। आपकी विधानसभा में ज्योति मिर्धा उठी, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? ज्योति मिर्धा को देंगे। व्यक्तिगत रूप से कैसी हैं वो? भाई बीजेपी को आई ना, इसलिए ज्योति मिर्धा को दे, कांग्रेस मोदी नहीं देते, बीजेपी को है तो बीजेपी हटू जीते। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है तो जाना है रैली में? कल आएगा क्या? कल रैली है तो जरूर जाएंगे। जो राजकीय स्टेडियम यहाँ पे, वहाँ पे रैली है तो जाना है? हाँ जरूर, जबर बाहर है क्या स्टेडियम? जरूर जाएंगे। 1 बजे है? 1 बजे खूब जाएंगे मैं, और देंगे बीजेपी को ही वोट। क्या लग रहा है मोदी जी के आने के बाद समीकरण बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बदलेगा, और मोदी जी को ही ले गए वोट। तो जयपुर यानी आप बीजेपी को भेज रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी को। और लोग हैं उनसे सीधा बात करते हैं, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। आपके नागौर को जाटलैंड कहा जाता है, कल प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ी जनसभा यहाँ पे है, काम करे और मोदी कहा फर्क पड़े? तो जाट जो नागौर के हैं वो कांग्रेस की तरफ एक तरफ आ जा रहे हैं? एक तरफ ही कांग्रेस है, जाट हगड़ाई 80%। इसी वजह से मोदी जी तो यहाँ पे रैली कर रहे हैं कि कुछ वोट इधर उधर खिसके? मोदी जी डर लगे या नागौर का, ये हारेगी बीजेपी, इसीलिए मोदी जी आ रहे हैं। हाँ इसलिए आ रहे हैं, कमजोर होते हैं जब भी आ रहे हैं, नहीं कहना रहे हैं, जहाँ कमजोर होती है ना बीजेपी, प्रधानमंत्री आने का मतलब क्या, कमजोर है यहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनाव के समय हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में जगह जगह रैली करते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कार्यकर्ता रहेगा जब तो यानी राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस कमजोर है? नहीं नहीं कमजोर नहीं है, वो तो प्रचार कर रहे हैं आपका क्या? तो प्रधानमंत्री क्या, वो प्रधानमंत्री का काम है आने का, यहाँ टाइम नहीं होना चाहिए, आने नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को? तो राहुल गांधी करें तो प्रचार है, प्रधानमंत्री मोदी करें तो हार के डर? वो तो अभी सीट पे आते ना प्रधानमंत्री जी, तो टाइम नहीं है उसको पास, राहुल तो फ्री है अभी, क्या करें, प्रचार करेगा? तो प्रधानमंत्री के साथ साथ एक पार्टी के मुखिया भी तो हैं। अरे पार्टी मुख्य जिकाने टाइम मिल जा रहा, प्रधानमंत्री ने 4 घंटा नींद लोने टाइम मिले, राजस्थान में कितनी बार आ गए आप, 10 बार आ गए, बार बार क्यों घूम रहे हैं, क्या डर लगता है उसको क्या? अब कांग्रेस का इतना तारीफ कर रहे हैं, ज्योति मिर्धा कांग्रेस में रही हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि बगावती सुर दिखा करके अपने तो चाचा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए? वो तो पता नहीं, अब आपको उसका ही काम है, हमारा काम है नहीं। परिवार में बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि फूट पड़ गया? ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, कांग्रेस वाले को अपड़ अपड़ के ले जाते हैं सारे, कांग्रेस 70% तो कांग्रेस ही ले गए। तो कांग्रेस अपने लोगों को बचा क्यों नहीं पा रहे, क्या कर रहे कांग्रेस वाले छुटक? कांग्रेस में ज्यादा है, क्या करें, चुनाव टिकट वास लड़ रहे हैं इसलिए चले जाते हैं। और हनुमान बेनीवाल का कितना असर रहने वाला है? हनुमान बेनीवाल का असर नागौर में तो सीट मत खड़े नहीं है ना, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि नागौर और इसके आसपास के जिला माना जाता है कि आरएलपी का प्रभुत्व है इधर, तो उनके जो समर्थक हैं वो किधर शिफ्ट हो सकते हैं? वो कांग्रेस, सब कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी आप जाट को सीधे कांग्रेस वाले बता रहे हैं? और आरएलपी कांग्रेस में ही है सारी। अशोक गहलोत को और सुरक्षा के मामले में इतना घेर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? और ऐसे ही बोलते हैं, और सब एक ही है, सब आरएलपी और कांग्रेस।